हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आने से पहले एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइए। आज का वीडियो है दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला ई संवर्ग एवं टी संवर्ग भर्ती के लिए आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ पर जाकर आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है डेमो वीडियो, कैसे आपको फॉर्म भरना है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का निवासी होना है, इसके बिना फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं होगा। और इसके लिए आपको आहर्तियाँ रखनी है, अपेक्षित जो मंगी गई है आपकी योग्यता, वो आपके पास होना चाहिए। और विज्ञान और गणित विषय में आपको माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अब दोस्तों, इसमें एक बात ट्विस्ट ये कर दिया गया है कि विज्ञापन द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में, है ना, विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षण वार पदों की संख्या दी गई है, भर्ती के नियम व शर्तें दी गई है, उसे देख करके आप जिलों का चयन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको प्रत्येक जिले में हाँ या नहीं का विकल्प देना अनिवार्य होगा। और एक बात महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको केवल ई संवर्ग में 22 जिलों में व टी संवर्ग में 16 जिलों में आवेदन करने होंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आप जिले का सिलेक्शन कैसे करें। तो इसके लिए बता दूं दोस्तों कि आप वहाँ उस जिले का सिलेक्शन करें जहाँ आपको सुविधाजनक हो, है ना। तो ई संवर्ग में आपको 22 जिले का सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि महासमुंद लेक है, गरियाबंदो है, है ना। इस प्रकार हम क्या करेंगे, 22 जिलों का सिलेक्शन करेंगे। ये तो टोटल 22 जिला दिया हुआ है, सबको सिलेक्शन करना है हमको, है ना। ये तो चलो खैर, जितना ज़िला दिया है उसमें सबको क्लिक करना है, ये बात तो हो गई, है ना। अब जब बात कहाँ पर आती है, बात टी संवर्ग में आती है। हमारे पास ज़िला तो ज़्यादा है, आप अप्लाई कहाँ करेंगे, 16 जिलों में करेंगे। इसमें भी आपको सीधा सा सिंपल, आप क्या कर सकते हैं, सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप सभी को सेलेक्ट कर दें। तो ये इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट है दोस्तों, एक में 22 जिले में आप आवेदन भर सकते हैं और दूसरे में 16 जिले में। उसके बाद देखा जाए तो बाकी सिंपल है, जैसा आप भरते हैं वैसा ही आपको भरना है। यहाँ पर नाम, है ना, जैसा कि आपके ट्वेल्थ के मार्कशीट में है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरीज, सर्विस, आर यू एक्स सर्विस मैन है तो आप यस करिए, नहीं है तो, डिसेबिलिटी है तो आप भर सकते हैं। वेट हाइट जो नॉर्मल आप फॉर्म भरते थे वैसी है, है ना। और एग्ज़ाम सेंटर, आप अपने ज़िले को एग्ज़ाम सेंटर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और इस प्रकार ये फॉर्म आप भर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, केवल दिक्कत ये है कि आपको सभी ज़िलों में फॉर्म नहीं भर सकते, है ना दोस्तों। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके मन में सवाल उठता है, तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और एक बार और बोलना चाहता हूँ दोस्तों, लाइक नहीं करते हैं, कम से कम एक बार मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस प्रकार आपकी जो है लाइक से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, जिससे लेकर मैं अगला वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।